हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने Xiaomi Mi A1 को रूट कर सकते हो, वो भी मार्च 2018 सिक्योरिटी पैच के साथ। अभी हमारे फ़ोन में मार्च का अपडेट आया था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये रूट कर सकते हो। बहुत ही ईजी मैथड है मैजिस्क मैनेजर के थ्रू और बहुत ही सेफेस्ट मैथड है। तो आपको क्या करना है, सिंपली रूट करने के लिए बूट इमेज फाइल को डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद अगर अप्रैल का मेथड आता है तो सिर्फ आपको बूट इमेज फाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये फाइल्स हैं तीनों, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है ADB सेटअप का और बूट इमेज फाइल का, जो वेरी करेगी आपके सिस्टम में कौन सा सिक्योरिटी पैच है। जैसे कि मेरे में मार्च का सिक्योरिटी पैच है तो मैंने मार्च वाली बूट इमेज फाइल को डाउनलोड किया है। अगर आपके फ़ोन में अगले महीने अप्रैल का आता है तो आपको अप्रैल वाली फ़ाइल को डाउनलोड करना है। तो ये याद रखना कि सेम फाइल को आप डाउनलोड करें जो आपके फ़ोन में सिक्योरिटी पैच है, और उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल्स को आपको डाउनलोड करना है। तो इन तीनों फाइल्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो सब कुछ डाउनलोड करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर में ये डाल लेना है, जैसे कि मैंने अभिषेक के फ़ोल्डर में डाला है। उसके बाद जो ADB सेटअप है, सबसे पहले आपको करना है उसको इंस्टॉल, क्योंकि आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा इसके बिना। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको सिंपली यस यस वाई वाई आपको टाइप करना है कीबोर्ड से। तो सब कुछ करने के बाद इसको फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ऑल डन का मैसेज आ जाएगा। तो ADB सेटअप आपके फ़ोन में हो गया है। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है प्लेटफॉर्म टूल्स को, जो कि अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आपको इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर आपके ये बेसिकली PC में क्रिएट हो जाएगा प्लेटफॉर्म टूल्स का। तो सारा काम हमें इसी फोल्डर से होने वाला है। तो ये एक फ़ोल्डर इस तरीके से आ जाएगा, प्लेटफॉर्म टूल्स लेटेस्ट विंडोज़ के नाम से। तो आप ये देख सकते हो ये फ़ोल्डर है, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो और उसके बाद ये आपको ये फ़ोल्डर मिल जाएगा और आपको जो बूट इमेज फाइल आपने डाउनलोड की है उसको भी पेस्ट कर लेना है इसी फोल्डर में। तो ये मार्च वाली फ़ाइल है, तो आपको याद रखना है कि सेम फाइल आप डाउनलोड करें जो आपकी सिक्योरिटी पैच है। तो उसके बाद आप इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है आपको। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसमें आपको जाना है और बूट इमेज फाइल को उस फोल्डर में से निकाल लेना है। और जैसे ही आप बूट इमेज फाइल को वहाँ से कॉपी करना है आपको, तो कॉपी करने के बाद आपको जो प्लेटफॉर्म टूल्स है, जो कि लेटेस्ट विंडोज़ वाला है प्लेटफॉर्म टूल्स लेटेस्ट विंडोज़, तो ये आप याद रखें कि आपको सिर्फ इसी फोल्डर में इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है बूट इमेज फाइल को और उसके बाद सारा काम हमें इसी फोल्डर में है। तो उसके बाद जब ये पेस्ट हो जाएगी तो सिंपली आपको अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स करनी है। तो फ़ोन की सेटिंग्स में जाना और सिस्टम सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद आपको अबाउट फ़ोन में जाना है और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर पर 5 से 6 टाइम टैप करना है डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए। आपने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है तो सिंपली आपको ओपन करना है डेवलपर ऑप्शन, और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली OEM अनलॉकिंग को ऑन करना है बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। अगर आपने कर रखा है तो शायद आपको ये इनेबल नहीं करना पड़ेगा। और पिन या पैटर्न को एंटर करना है, इनेबल करने के लिए परमिशन देनी है और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे। तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट ये ऑफ होना चाहिए और यहाँ पर USB डीबगिंग है, इसको भी आपको ऑन करना है। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो सिंपली आपको फ़ोन को करना है फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए आपको करना है अपने फ़ोन को पावर ऑफ, और पावर ऑफ हो जाएगा आपका फ़ोन दो से तीन सेकेंड में और देख सकते हो फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही आपका फ़ोन कम्प्लीटली पावर ऑफ हो जाता है तो आपको वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। तो ये फास्ट बूट मोड में है, उसके बाद आपको USB केबल से अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट कर लेना है। सारा काम हमें PC में है क्योंकि, तो हम चलते हैं PC की तरफ और आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो सिंपली आपको वही फोल्डर ओपन करना है प्लेटफॉर्म टूल्स लेटेस्ट विंडोज़ वाला, और बूट इमेज फाइल मैंने डाल लिया जैसे कि आप देख सकते हो। और आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है माउस पे और शिफ्ट बटन दबाना है और राइट क्लिक करना है माउस पे एक साथ, और कमांड विंडो ओपन करनी है इसी फोल्डर में सिर्फ, और कहीं आपको ओपन नहीं करनी है। और आपको टाइप करना है फास्ट बूट
OEM अनलॉक, अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है तब आपको ये वो बेसिकली कमांड नहीं करनी है। तो फास्ट बूट OEM अनलॉक करने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है और आपके फ़ोन का बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा 2 से 3 सेकंड में। तो अगर आपने ऑलरेडी अनलॉक कर रखा है तो मैंने आपको बताया कि आपको नहीं करना है ये बेसिकली। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाली कमांड डालनी है जो कि है सिंपली फास्ट बूट बूट स्पेस आपकी रिकवरी का नाम, आप कॉपी कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। तो आपको सिंपली पेस्ट करना है और यहाँ पर .img ज़रूर आपको डालना है। इसके बाद अगर आप ये नहीं डालते हो तो आपका ये बेसिकली नहीं होगा। और आप ये ध्यान रखना कि ये सारे स्मॉल लेटर्स हो, कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए। तो ये कमांड है फास्ट बूट बूट और आपके रिकवरी का नेम आप कॉपी कर सकते हो, उसके बाद .img डाल आपको टाइप करके एंटर करना है। उसके बाद आपका फ़ोन नॉर्मली बूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम में ऑन हो जाएगा बेसिकली आपका फ़ोन। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो मैजिक मैनेजर को भी आपको डाउनलोड करना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन से। तो उसके डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है इंस्टॉल। और यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल है जो कि रिकमेंडेड है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक zip फाइल डाउनलोड होगी इस तरीके से आपके फ़ोन में। और zip फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये zip फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी और ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगी आपके फ़ोन में जैसे कि आप देख सकते हो। तो फ्लैशिंग प्रोसेस 5 से 10 सेकंड आपको लग जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑल डन का मैसेज आएगा। और उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है रीबूट के ऑप्शन पे। और अगर आपका फ़ोन 2 से 3 सेकंड में ऑन नहीं होता है तो कुछ टाइम तक पावर बटन को प्रेस करके रखना, फिर ये ऑन हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा था, तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।